झारखंड से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा जल्द हो जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जैसे ही गठबंधन को लेकर अंतिम रूप सीट शेयरिंग को मिलेगा, वैसे ही पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। इधर मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस बचे हुए 3 सीटों के लिए स्क्रीनिंग करेगी। पूर्व में रांची, खूंटी, लोहरदगा और हजारीबाग के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। 3 सीटों की स्क्रीनिंग के बाद होने वाली सीईसी की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएगा। न्याय चाहिए, महिलाओं को न्याय चाहिए, नारी न्याय के नाम से आदरणीय राहुल गांधी जी ने सारी चीजें बताई है। और जिस तरह से लगातार जिसकी जितनी ही भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है, हम इन सारी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। सरना धर्म कोड हमने मुख्य वो रखा है कि सरना धर्म कोड हम लागू करेंगे, तो उन सारी चीज़ों को जो जनता के मुद्दे हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम समझते हैं कि जो जनता के मुद्दे को पर बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। युवाओं को न्याय चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।